हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ओ टू एस अकेडमी तो जैसे कि आप जानते हैं कि डेली के करंट अफेयर्स को हम एम के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं और रोज के हम 10 एम प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आज के एम शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पी चाहिए तो आप हमारी ओ टू एस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर यह पी आपको मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से दैट इज़ रिलेटेड टू सीओम ब्रिज तो सीओम ब्रिज जो है रिसेंटली न्यूज़ में था वो इसलिए था क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी इन्होंने इस ब्रिज को इनोग्रेट किया है इस ब्रिज को बनाया गया है बीआरओ द्वारा दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है जो कि हमारे बॉर्डर एरियाज पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है कौन सी स्टेट में बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है तो इसके बारे में आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट एग्जाम तो जैसा कि आप जानते हैं कि एम में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इन द सेम वे एम बी बी एस कंप्लीट करने के बाद भी एक एग्जिट एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है जिसके बाद ही कोई भी जो एम बी बी एस जिसने कोर्स किया है उसके बाद ही उनको लाइसेंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर जो सीट है वो मिलती है तो इसी के रिगार्डिंग आपको तीन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करूँ तो चाहे वो कोई इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो या फिर कोई एक फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट हो दोनों को नेक्स्ट वन लेवल का जो एग्जाम है ये देना पड़ेगा दैटमीन्स एमबीबीएस करने के लिए करने के बाद जो एग्जिट एग्जाम है ये देना पड़ेगा उसके बाद ही वो इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल रहते हैं फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट टू एग्जाम अगर ये जो पर्सन है नेक्स्ट टू एग्जाम को क्लियर कर लेता है तभी इसको पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर सीट मिल सकती है या फिर एम के बाद जो लाइसेंस मिलता है तभी इसको मिल सकता है अगर नेक्स्ट टू एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो दोबारा से इस पर्सन को नेक्स्ट वन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा क्लियर करना पड़ेगा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि नई इंट्रोड्यूस करी गई हैं मेडिकल जो भी आपके मेडिकल कोर्सेज है उसके अंदर तो इसी के रिगार्डिंग जो तीन स्टेटमेंट्स है अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जैसा कि थर्ड स्टेटमेंट है कि फॉरेन जो ग्रेजुएट है नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद उनको लाइसेंस मिल जाएगा ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं एम करने के दस साल के अंदर अंदर नेक्स्ट कितनी भी बार दे सकते हैं Such, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने नंबर ऑफ आप देंगे तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी कमीशन के द्वारा रेकग्नाइज किए गए हैं मेडिकल कॉलेजेस तो उनके बाद ही इनको जो बेसिकली uh, लाइसेंस या फिर पीजी के अंदर जो एडमिशन है वो मिल सकती है जो मेडिकल कॉलेजेस कमीशन ने रेकग्नाइज नहीं किए हैं तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे ये ध्यान रखना है आपने तो दैट मीन्स यहां पे आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात

हो गई सीता न वसल केव्स होगी तो इन सब के अंदर आपको मुरल पेंटिंग्स जो है ये देखने को मिलेगी तो दैट मींस आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू वायरोवोर वायरोवोर का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि वायरस को ईट करता है या फिर वायरस के ऊपर फीड करता है तो इसी के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जैसे कि अभी जो साइंटिस्ट्स वगैरह हैं उन्होंने एक नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है जो कि वायरसेस को खाता है तो ये जो ऑर्गेनिज़्म है ये एक्चुअली प्रोटेस्ट की एक स्पीशीज़ है प्रोटेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो साइंटिस्ट हैं जैसे कि आर एच विटेकर है उसने ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे पाँच अलग अलग किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया था जिसमें मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई एनिमेलिया और प्लांटी था अब अगर मैं प्रोटेस्टा के बारे में बात करूं तो इसके अंदर सारे यूनि ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं दैट मींस इनके सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनैलिज जो हैं, ये देखने को मिलेंगी तो दैट मीन्स जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एक्चुअल स्पीशीज ऑफ प्रोटेस्ट है जो कि वायरसेस के ऊपर फीड करता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि जो प्रोटेस्ट हैं वो अलग अलग न्यूट्रियट्स या फिर अलग अलग जो आइटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उससे मिलकर बना होता है जिसमें आपके uh, अलग अलग न्यूक्लिक एसिड्स आ जाएंगे जैसे कि डी एन ए आर एन ए आ जाएगा नाइट्रोजन आ जाएगा फॉस्फोरस आ जाएगा अगेन डी एन ए और आर एन ए के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो प्रेजेंट होता ही है तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू हीट टोन हीट डोम के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि यूरोप वाले रीजन के अंदर स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन पोलैंड हो गया देन इज़ जर्मनी हो गया तो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो हीट डोम है वो बन गया है तो इस वजह से ही न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिला होगा हीट डोम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अपर एटमोस्फेयर है जैसे कि स्टेटोस्फेयर हो गया ट्रोपोस्फेयर हो गया तो उसके अंदर जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो फ्लो करती हैं अबव द सी सरफेस तो सी सरफेस के बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड के पर जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो फ्लो करती है तो क्योंकि यहां तो से, से, तो से होता क्या है, कि एक जो है, वो बन जाता है। और जिस टाइम पर भी सन जो है वो यहाँ पर सरफेस को हीट करेगा तो हीट करने की वजह से जो हवा है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर राइस करेगी लेकिन ऊपर राइस तो करेगी तो ऊपर से जो हाई प्रेशर एरिया है वो यहाँ पे वार्म एयर को नीचे को पुश करने लगेगा जिसकी वजह से यहां पर एक ऐसा एरिया बन जाएगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म हवा जो है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी तो दैट मीन ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर जो बना है तो इसी को ही हम हीट डोम के नाम से जानते हैं तो इसी के रिगार्डिंग आपको यहां पर दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर हाई प्रेशर एरिया जो है वो यहाँ पे वॉर्म एयर को सराउंड कर लेता है तो लो प्रेशर एरिया सराउंड नहीं करता तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि हीट डोम जो है वो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है क्योंकि जेट स्ट्रीम्स जो फ्लो कर रही हैं उसकी वजह से ही आसपास का जो एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया बन जाता है और अल्टीमेटली ये हीट डोम बनाने में रिस्पांसिबल रहता है तो दैट मींस आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग ऑम्बर्ट्समेंट स्कीम तो इस स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बेसिकली इस स्कीम के अंदर ये है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनके अंदर ऐसे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि यहाँ पे कंज्यूमर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके तो ये जो स्कीम है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत आई थी और एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा ही लॉन्च करी गई थी जैसे कि सेक्शन थर्टी ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन और इवन यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको आर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना कि सेंट्रल बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि यहाँ पे कस्टमर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करती आर के द्वारा ही ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको अपॉइंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में बात करूं स्पेशली एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में या फिर आप बोल सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाले रीजन में पोस्टल सर्विसेज को एक तरह से कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को नाइनटीन के अंदर बनाया गया था

स यहाँ पे आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं तो recently, ने एक की है, जिसके अंदर जो प्रसार भारती है उसको डेवलप किया जाएगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसार भारती के अंदर आपको दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टूडियोज हैं ये इसके अंदर काम करते हैं तो इन दोनों को इनहेंस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी क्योंकि इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो यहाँ पे दूरदर्शन और जो आपके ऑल इंडिया रेडियो के जो एफ वगैरह हैं वो भी इन नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे तो उसके रिगार्डिंग जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करी है तो तो सबसे पहली बात यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आएगी और इसमें प्रसार भारती को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जिसमें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टूडियोज हैं उनको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा तो दैट मीन्स आपकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट कि यहां पे उनको अपडेट नहीं किया जाएगा तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू फ्लाई एश फ्लाई ऐश के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोल की कंबशन होती है कोल को जलाया जाता है तो यहाँ पे जो बचे कुचे रेजिड्यूज जो बचते हैं उसको हम फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं तो स्पेशली आपको फ्लाई ऐश जो है हर एक थर्मल पावर प्लांट के नज़दीक आपको देखने को मिलेगी और जिस टाइम पे इस फ्लाई ऐश को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो क्योंकि फ्लाई ऐश के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं तो उसकी वजह से ये सारे के सारे हैवी मेटल्स जो हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं और स्पेशली जब भी फ्लाई ऐश को पानी में डाला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ग्राउंड वाटर के अंदर जो आपके हैवी मेटल्स की इंटॉक्सिकेशन हुई है वो फ्लाई ऐश की वजह से ही हुई है तो दैट मीन यहां पर आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू कलर कोडेड वेदर वार्निंग तो कलर कोडेड वेदर वार्निंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस कलर कोडेड वेदर वार्निंग को देता है जिस टाइम पर भी वेदर जो है वो खराब होने लगता है तो अलग अलग कलर्स के हिसाब से ये वेदर को सिग्निफाई करता है फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीनिश कलर है कि इतनी ज्यादा वेदर खराब नहीं है और येलो में आ जाएगा कि बी अवेयर आगे आने वाले टाइम में जो वेदर है वो खराब हो सकता है ऑरेंज आपको दिखाता है कि अब आप प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा खराब होने लग गया है और रेड जो है ये कलर कोड जो है ये बताता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है तो इसी के रिगार्डिंग सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ इवन जो ऑरेंज कलर है उस टाइम पर जितने भी रोड हो गया रेल हो गया उन सबकी Disruptions जो है वो आपको देखने को मिलेंगी तो दैट मीनस यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो जाएगी तो आई होप आपको यहां तक जो एमसीक्यूज है उनके बारे में समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे थैंक यू सो मच एंड हैव है नाइस डे